सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल सुमित जॉन को और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित है और आप देख रहे हैं सुमित जॉन। हमने अपने चैनल पे बहुत सारे कोर्सेज को रिव्यू किए हैं। ये वो कोर्सेज हैं जो आपको 100% जॉब दिलाती हैं बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, प्राइवेट कंपनीज में। आप जाएं, इन प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको वीडियो जरूर बेनिफिशियल होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के डिफरेंट पोस्ट की सैलरी स्ट्रक्चर की, क्या सैलरी मिलता है एक्सिस बैंक में ऑन डिफरेंट पोस्ट। ये वीडियो आपको जरूर बेनिफिशियल होगा, आप इस वीडियो को देखिए, कंटिन्यू कीजिए। अगर आप सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियोज उनके बेसिस से बनाई गई है, जो इम्प्लॉयज वहाँ काम करते हैं उन्होंने अपनी सैलरी शेयर की है, तो आपको हम बताएंगे क्या अप्रोक्स सैलरी होता है ऑन डिफरेंट पोस्ट इन एक्सिस बैंक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के मैनेजर की सैलरी की। 211 लोगों ने इस सैलरी को शेयर किया है। यहाँ पर एवरेज टोटल पे दिखा रहा है एनुअली 6 लाख पर ईयर, मतलब कि महीने के 50,000 रुपीज। जो राइट हैंड साइड में दिखा रहा है पैसे, वो कुछ इंसेंटिव एंड बोनस हम उसकी बात नहीं करने वाले, हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ सैलरी की। तो मतलब कि कोई अगर डायरेक्ट एक फ्रेशर भी आता है एमबीए करके मैनेजर के पोस्ट पे, तो उसकी मिनिमम सैलरी 50,000 होगी एंड 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में रहती है, लेकिन मिनिमम आपको 50,000 रुपीज होगी ऑन द पोस्ट ऑफ मैनेजर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सैलरी स्ट्रक्चर की। तो ये है एक्सिस बैंक के डेप्यूटी मैनेजर की, 739 लोगों ने इसे शेयर किया है। यहाँ पर एवरेज पैकेज दिखा रहा है 5,20,000 पर ईयर, मतलब कि इस हिसाब से 42,000 रुपीज पर मंथ। आप इसमें 2,000 रुपए कम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अप्रोक्स जो सैलरी आपकी होगी 40,000 रुपीज होगी ऑन द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी मैनेजर। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की सैलरी स्ट्रक्चर की, तो वो एक्सिस बैंक रिलेशनशिप मैनेजर। यहाँ पर शेयर किया है 195 लोगों ने, सैलरी पैकेज शो कर रहा है 4,25,000 रुपीज पर ईयर एंड जो यहाँ पर सैलरी दिखा रहा है पर मंथ की वो है 35,450 रुपीज पर मंथ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट के सैलरी स्ट्रक्चर की, तो वो है एक्सिस बैंक असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पर शेयर किया है 2,499, मतलब कि अप्रोक्स 2,500 लोगों ने शेयर किया है। एवरेज पैकेज दिखा रहा है यहाँ पर 3,04,000 रुपीज पर ईयर, इस हिसाब से आपको पर मंथ क्योंकि 25,000 रुपीज अप्रोक्स पर मंथ। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, तो वो एक्सिस बैंक CSO कस्टमर सर्विस ऑफिसर की सैलरी स्ट्रक्चर की। यहाँ पर शेयर किया 563 लोगों ने शेयर किया एंड एवरेज पैकेज दिखा रहा है 2,64,000 रुपीज पर ईयर। यहाँ पर आपको पर मंथ की सैलरी है 22,000 रुपीज पर मंथ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट के सैलरी स्ट्रक्चर की, तो वो है एक्सिस बैंक ऑफिसर की। यहाँ पर 243 लोगों ने शेयर किया इस डेटा को। यहाँ पर एवरेज पैकेज है 2,25,000 रुपीज पर ईयर, इस हिसाब से आपके पर मंथ के हो गए अप्रोक्स 19,000 रुपीज पर मंथ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट के सैलरी स्ट्रक्चर की, तो वो एक्सिस बैंक सेल्स ऑफिसर। यहाँ पर 179 लोगों ने शेयर किया। यहाँ पर एवरेज पैकेज दिखा रहा है 243 पर ईयर, यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों लोगों ने शेयर किया है। इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मिनिमम सैलरी एक्सिस बैंक में सेल्स ऑफिसर की वो है 14,000 रुपीज अप्रॉक्स फॉर फ्रेश एंड एवरेज पे दिखा रहा है यहाँ पर 17,000 रुपीज पर मंथ। बात करते हैं नेक्स्ट सैलरी स्ट्रक्चर की, तो अगर आप सेल्स ऑफिसर हैं, आप काम करते एक्सिस बैंक में लंबे समय तक, आप बन जाते हैं सेल्स मैनेजर, तो आपकी सैलरी कितनी होगी। इस डेटा को शेयर किया 179 लोगों ने, इस हिसाब से पर ईयर पैकेज हो गए 5,27,000 रुपीज पर ईयर एंड सैलरी हो गए अप्रॉक्स 44,000 रुपीज पर मंथ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सैलरी स्ट्रक्चर की, अगर आप किसी भी मैनेजर पोस्ट पे काम कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के मैनेजर पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आप बन गए सीनियर मैनेजर, तो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगी एक्सिस बैंक में। यहाँ पर डेटा शेयर किया 147 लोगों ने, पैकेज दिखा रहा 1,000,000 पर ईयर, मतलब कि सालाना इनकम 10 लाख रुपए एंड एवरेज मंथली पैकेज दिखा रहा है 80,000 रुपीज पर मंथ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट के सैलरी स्ट्रक्चर की, तो वो है एक्सिस बैंक ब्रांच मैनेजर। यहाँ पर शेयर किया इस डेटा को 163 लोगों ने, यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर दिखा रहा है मिनिमम 1,000,000 पर ईयर, मतलब कि 1,000,000 से भी ज़्यादा इनकम होगी, यहाँ पर आपकी मंथली जो सैलरी होगी वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा होगी ऑन द पोस्ट ऑफ एक्सिस बैंक ब्रांच मैनेजर। ये टोटली डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आप कितना एक्सपीरियंस पर्सन है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट के सैलरी स्ट्रक्चर की, तो वो है एक्सिस बैंक असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पर 707 लोगों ने शेयर किया है। यहाँ पर जो एवरेज पैकेज दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2,000,000 पर ईयर, मतलब कि 20 लाख पर ईयर, मतलब कि आपकी मंथली जो इनकम होगी वो आपको अप्रॉक्स 2 लाख रुपए होगी मंथली इनकम ऑन द पोस्ट ऑफ एक्सिस बैंक असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट।